बेरोजगारी से देश का युवा परेशान है। कोई कहता है कि पकौड़े तलकर चार पैसे कमाओ, पर एक पढ़ा लिखा युवा कोई डिग्री हासिल करके पकौड़े तले, ये उसको खुद को गवारा नहीं। भारत में युवा देश की आबादी का 27.9% है। देश की बेरोजगारी दर 7.83% के पार हो गई है। इसी कड़ी में आज हम आपको रेलवे अप्रेंटिस के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकपथ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे तबके से मिलाएंगे जो 2014 से सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं, कभी आंदोलन करके, कभी चिट्ठियां लिखकर। पर उससे पहले, अगर आपने अब तक लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि इस तरीके की निष्पक्ष खबरें हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। रेल मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 3,115 अप्रेंटिस की भर्ती होगी। पर परेशानी यहां है कि 2 या 3 साल की अप्रेंटिस यानी ट्रेनिंग के बाद ये लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए, आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं कि रेल अप्रेंटिस है क्या। ये एक तरीके से रेलवे में ट्रेनिंग है। वेल्डर, मैकेनिक, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, यानी ग्रेड डी पदों को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है, और 2 या 3 साल तक ये लोग रेल अप्रेंटिस के तौर पर काम करते हैं। रेल अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ जिस विषय में वो आगे अप्रेंटिस करने चाहते हैं उसमें उनका ITI भी होना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि 2 साल तक एक काम में स्पेशलिस्ट होने के बाद ये लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। 2014 से पहले रेल अप्रेंटिस 2 साल बाद GM पावर के तहत रेलवे में नियुक्त हो जाते थे, पर अब GM पावर हटा दी गई और रेल अप्रेंटिस कर चुके बेरोजगार युवा लगातार फिर से GM पावर वापस लाने की मांग कर रहे हैं। मेरा 2014-15 में ट्रेनिंग हो चुका है और 14-15 से आज के डेट तक हमने काफी संघर्ष करते आए हुए हैं। सरकार को हमारी बात मनाने का पूरा कोशिश किया, आंदोलन किए, धरने आंदोलन किए, उसके बाद में हमने 2014-15 के बाद जैसा हमने रेलवे अप्रेंटिस हमारी पास आउट हुए, उसके बाद में हमने दिल्ली रेलवे बोर्ड घेरने का काम किया था, सभी छात्र थे देश के। उसके बाद में हमने आंदोलन लॉन्ग मार्च किया था, 40 से 50 हज़ार लोगों लेकर दिल्ली में हमने लॉन्ग मार्च किया था। उसके बाद में मुंबई आंदोलन किए, मुंबई आंदोलन में 30-40 हज़ार लोग थे हमारे साथ, और सरकार को हमेशा हमने हमारी बात मनाने का पूरा कोशिश किया, लेकिन ये तानाशाही सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। रेलवे के हर जोन से रेल अप्रेंटिस आए दिन महाप्रबंधक रेल उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने रेल रोको आंदोलन भी किया, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग सरकार के पास आए दिन पूरे देश भर का छात्र अपने अपने जोन में महाप्रबंधक के सामने और रेल के उच्च अधिकारियों के सामने और कई संसदों के सामने आए दिन रखते आ रहे हैं। पूर्व में कई आंदोलन का आगाज हुई थी सरकार के विरुद्ध में, और बेहतर छात्र संगठन एक दूसरे का साथ लेकर के बेहतर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें 2018 या 17 में बम्बई में आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक चक्का जाम हुआ। दिल्ली में कई जंतर मंतर पर कई बार प्रदर्शन हुआ और हर जोन के वर्कशॉप के बाहर प्रदर्शन हुआ। आए दिन प्रदर्शन होती ही रहती है, लेकिन सरकार इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, आपको बताते हैं कि GM पावर क्या है, जिसे बहाल करने के लिए रेल अप्रेंटिस लगातार मांग कर रहे हैं। GM पावर यानी जनरल मैनेजर की पावर, जिसके तहत सभी रेलवे अप्रेंटिस को सीधा रेलवे में नियुक्ति दी जाती थी, और हमारा जो 100% समायोजन GM पावर के थ्रू हुआ करता था, उस समायोजन की व्यवस्था
व्यवस्था को बंद करके एक नई व्यवस्था तैयार कर दी है, 20% का रिजर्वेशन दे दिया। पर अब रेल अप्रेंटिस के बाद लेवल 1 की भर्ती में CBT एग्जाम देकर यानी रिटन एग्जाम और फिजिकल एग्जाम देने के बाद अगर आप पास होते हो तो नियुक्ति होगी, ऐसा कर दिया गया है। अगर हम लोग परीक्षाएं दे चुके हैं, परीक्षाएं देने के बाद में रेल में ट्रेनिंग कर चुके हैं, रेल में ट्रेनिंग करने के बाद सभी ट्रेडों से काम सीख लिया, कुशल कारीगरों का काम है, उसके बाद में ग्रुप डी की वैकेंसी में जो कार्य होता है उस कार्य से हम लोग पूरी तरीके से दक्ष हैं, आखिर बार बार हम लोगों से परीक्षाएं लेकर के हम लोगों को आखिर सरकार बनाना क्या चाहती है। वहीं बेरोजगार रेल अप्रेंटिस की कई मांगे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जो डिमांड है देश में एक ही डिमांड चल रही है, ज्यादा गेम पावर, लोगों को रोजगार चाहिए। आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अभी तक हमारा लड़का 2014-15 से एक भी लड़के को रोजगार नहीं लगाए, इसीलिए हम बोलते हैं कि आने वाले समय में मौजूदा 2024 के पहले हमें जितने भी लड़के हैं ऑल इंडिया रेलवे अप्रेंटिस एसोसिएशन के, उन्हें आप रोजगार देने का काम करें। जो कुशल कारीगर हैं, जो ट्रेंड कारीगर हैं, उन लोगों को अगर मौका दिया जाएगा, इससे सरकार को भी फायदा होगा, भारतीय रेल को भी फायदा होगा और नौजवानों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को जीएम पावर से परेशानी है ज्वाइनिंग कराने में, जो अगर 56,000 से 60,000 रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन पहले हो चुका है, अगर आज की डेट में अगर कोई भी माध्यम ऐसा नहीं बन पा रहा है तो हम लोगों को स्किल टेस्ट करा लेना चाहिए। जहां कहीं भी हम लोगों ने ट्रेनिंग की है वहीं पे हमारा ट्रेड टेस्ट हो जाए, ट्रेड टेस्ट के बाद में हम लोगों को तुरंत हमारी जिम्मेदारी दे दी जाए ताकि हम सब लोग भारतीय रेल को बुलंदियों तक पहुँचाने में अपना बेहतर योगदान दे सकें। जीएम पावर जो है हम लोगों का प्रमुख मांग था और अगर सरकार वर्तमान के भर्ती प्रक्रियाओं के नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं करती है जो अभी चल रही है, तो वैसे स्थिति में CCA का सीट से हम लोगों का मांग है, CCA का सीट सभी CCO से भरा जाए और अन्यथा पुराने GM पावर से ही सभी छात्रों को बहाल करना होगा। इन्हीं बातों के साथ में आए दिन प्रदर्शन चल रहा है और वर्तमान के स्थिति में एक जो आपका सवाल है कितने लोग इस रेल अप्रेंटिस के चलते बेरोजगार है, तो बेरोजगार वर्तमान के सरकारी आंकड़े के अनुसार तो हम नहीं। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बेरोजगार हो चुके रेल अप्रेंटिस के हित में कुछ कदम उठाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।